न करने वाले उसको लेकर बोकारो में दो जनसभाएं हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची से भी सामने आ रही है, जहां से हमारे साथ संवाददाता शहरवाज अख्तर जुड़ रहे हैं, जहां आज रांची लोकसभा सीट से यशस्वनी सहाय का नामांकन है। झारखंड में तीसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन, और आपको बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वनी सहाय ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन के बाद रांची के मोरहाबादी मैदान में एक जनसभा होनी है। कांग्रेस और जेएमएम के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। हमारे साथ शहरवाज जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। शहरवाज, यशस्वनी सहाय एक नया नाम झारखंड की राजनीति में, और उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है रांची लोकसभा सीट के लिए। उनके विपक्ष में अगर बात करें तो संजय से, जो कि पहले से भी सांसद हैं और इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं, कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है इस बार का 2024 चुनाव? देखिए, मुकाबला कह सकते हैं, मुकाबला होगा, क्योंकि वो युवा हैं और सुबोधकांत सहाय की सुपुत्री हैं। मैं उनके बारे में बता दूं कि वो उन्होंने लॉ में मास्टर्स किया है, इसके अलावा इटली में भी जाकर के एक कोर्स किया है, बहुत अच्छा, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, संगीत में विशारद हैं, कथक नृत्य में भी उन्होंने एक डिग्री हासिल की है। आप समझ सकते हैं मल्टी टैलेंटेड एक युवा हैं और बहुत समझदार है। मैंने उनसे आधे घंटे की बातचीत भी की है। तो बिल्कुल देखिए, यशस्वनी सहाय ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान इंडिया अलायंस के नेता उनके साथ मौजूद रहे, उनके पिता भी उनके साथ मौजूद रहे, राज्यसभा से सांसद रहे मौजूद उनके साथ। मोरहाबादी मैदान में एक जनसभा होनी है राष्ट्रीय सीट से। यशस्वनी सहाय का ये नामांकन हुआ, और नामांकन के बाद एक जनसभा भी होनी है। इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। और चलिए, आपको अब हम सीधे तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे। बोकारो समाहरणालय की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वहां पर मौजूद है, ये तस्वीरें सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद है, मजबूती देने को लेकर। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, गिरिडीह सीट से उनके नामांकन को लेकर ये यहां पर पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। आजसू उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी ने पर्चा भर दिया है। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के बाद अब बात करें तो झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहे। एनडीए से प्रत्याशी हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, वापस से उन पर आजसू ने भरोसा जताया, एनडीए ने सीट दी और गिरिडीह लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर इनके नाम पर वापस से मुहर लगी। इन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है, और इस दौरान बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए अब ये तमाम नामांकन का दौर है। एक तरफ आपने तस्वीरें देखी थी, अब दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। यशस्वनी सहाय कुछ कह रही है, हो गई विमेन रिलेटेड, बहुत इश्यूज हैं, बहुत है सर, बहुत है। संवाददाता शहरवाज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शहरवाज, आपकी तस्वीरें हम तक पहुंच रही थी, जहां यशस्वनी सहाय कुछ मीडिया से मुखातिब होती हुई नजर आ रही थी। कुछ जो जानकारी निकलकर सामने आ पाई, उन्होंने कहा कि कई सारी समस्याएं हैं जिस पर बातचीत होनी जरूरी है, और क्या कुछ कह रही थी वो? देखिए, वो बता रही थी कि रांची की समस्याएं ऐसी हैं जिनको अब तक एड्रेस नहीं किया गया है, कुछ तो अंग्रेजी में उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि रांची में बहुत संभावनाएं हैं, रांची के लोग बहुत मासूम हैं, प्यारे हैं, उनको एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही ये सारी चीजें की जा सकेंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि एक सवाल उनके सामने रखूँ, सवाल रखूँ उनके सामने। बिल्कुल, तो वो और देखिए अब हो भी रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने ना सिर्फ ये कहा पर करके दिखाया।
संभाल कर आप लोग। जी 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 बिल्कुल, नारी न्याय की बात की है, युवाओं के न्याय की बात की है, बेरोजगारी के लिए राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात कही है, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी स्कीम, किसानों के लिए किसान न्याय की बात की है, तो काफी बातें हुई है। और ये जो न्याय की बात है, बिल्कुल आप सुन रहे थे यशस्विनी सहाय को, जिन्होंने नारी शक्ति पर बातचीत की और कानून के साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसानों के लिए भी वो जब आएंगे सत्ता में तो किसानों के हित के लिए भी काम करेंगे, तो ये वादे वो करती हुई नजर आ रही थी। तस्वीरें आप देख रहे थे यशस्विनी सहाय की, जो कि नामांकन के बाद बाहर निकली है। बिल्कुल आप टीवी स्क्रीन पर अब ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं रांची में यशस्विनी सहाय के नामांकन की, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बोकारो के पुस्तकालय मैदान से, जहां पर INDIA के मथुरा प्रसाद महतो ने भी नामांकन दाखिल किया था। सीएम चंपाई सोरेन वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ साथ बेरमो के विधायक अनूप सिंह नजर आ रहे एक मंच पर, और उनके बगल में मंत्री बेबी देवी भी मौजूद हैं। तो ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज जिस तरीके से नामांकन का दौर चल रहा है, पहली तस्वीर ये बयां कर रही है कि रांची लोकसभा सीट के लिए INDIA ने सुबोध कांत की बेटी यशस्विनी सहाय के नाम पर मुहर लगाई थी और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बोकारो के पुस्तकालय मैदान की, जहां पर मथुरा प्रसाद महतो भी ने नामांकन दाखिल कर लिया है, उनके साथ सीएम चंपाई सोरेन वहां पर मौजूद है उस मैदान में, और एक जनसभा वहां भी होनी है। इस जनसभा में संबोधित करेंगे सीएम चंपाई सोरेन, उनके साथ साथ तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। आज ये नामांकन का दौर, कई तस्वीरें सामने, और इन तस्वीरों को न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है। इससे पहले जब हमारे संवाददाता जयलाल ने मथुरा प्रसाद महतो से बातचीत करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने कहा है कि जनता से उनकी अपील है कि जिस तरीके से केंद्र में तानाशाह की सरकार चल रही है और उन्होंने जो महंगाई बढ़ाई है, इसका सीधा जवाब जनता देगी। इस बार के चुनाव में उन्हें हराना है और INDIA के खाते में वोट देनी है। 14 की 14 लोकसभा सीट पर उन्होंने जीत का दावा किया है। साथ ही साथ जो बीजेपी ये नारा देती हुई नजर आ रही है 400 पार, उस पर भी मथुरा प्रसाद महतो का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार क्या, 200 पार तक भी नहीं कर सकती। इस तरीके से ये बयानबाजी का दौर, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 14 से 14 लोकसभा सीट INDIA के खाते में जाएगी। वहीं उनसे सवाल पूछने पर कि क्या इस बार हेमंत सोरेन की कमी नजर आ रही है, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हेमंत की गिरफ्तारी का जवाब जनता देगी। तो आज ये सीधा टक्कर, सीधा मुकाबला गिरिडीह की सीट पर अगर हम बात करें तो दोनों ही शीर्ष उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। बोकारो के पुस्तकालय मैदान से फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं INDIA की ओर से, जहां पर मथुरा प्रसाद महतो के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन है, जिसमें तमाम दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। सीएम चंपाई सोरेन वहां पर मौजूद है, बेरमो विधायक अनूप सिंह वहां पर नजर आ रहे थे, मंत्री बेबी देवी नजर आ रही थी, और इन सबके बीच जनसभा होनी है। जनसभा जब संबोधित करेंगे सीएम चंपाई सोरेन, तो वो संबोधन भी हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। पहली तस्वीर आप देखिए यशस्विनी सहाय की, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इनका सीधा मुकाबला बीजेपी के संजय सेठ से होने वाला है। संजय सेठ पर पहले से भी उन्होंने जीत हासिल की है, उन्हें पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो संजय सेठ को लगभग 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, और उस वक्त उनका टक्कर सुबोध कांत सहाय से था, जिसको उन्होंने लगभग 2,83,000 वोट से हराया था। इस बार उनके सामने रांची से यशस्विनी सहाय है, और इनका सीधा मुकाबला इस बार यशस्विनी सहाय से होने वाला है। एक तरफ बीजेपी बात कर रही है कि विकास के मुद्दों पर बातचीत हो रही है, मोदी की गारंटी पर बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यशस्विनी सहाय ने भी विकास के मुद्दों पर बातचीत की है। बिल्कुल, और देखिए नामांकन का दौर है, यशस्विनी सहाय ने भी नामांकन कर लिया। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बोकारो समाहरणालय, जहां से हमारे साथ संवाददाता अरुण बर्णवाल जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए नामांकन का दौर चल रहा है, गिरिडीह सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी का भी नामांकन हुआ, एक के बाद एक नामांकन, और इस बार क्या कहती है 2024 के लोकसभा चुनाव?
देखिए सुष्मिता, अभी थोड़ी देर पहले मथुरा महतो यहाँ से नामांकन करके अपने निकल गए हैं। जब जैसा कि सूचना मिल रही है, जो वहाँ सभा स्थल पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पहुँचे हैं, वहाँ आम सभा करेंगे। अभी चंद्रप्रकाश चौधरी चूंकि पहले ही आ गए थे गोमिया विधायक लंबोदर महतो के साथ, और प्रदेश अध्यक्ष को भी आना था उनके नामांकन में, इसलिए उनके नामांकन में थोड़ा विलम्ब हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आयुषु प्रमुख सुदेश महतो एक साथ आए हैं और अभी तीनों डीसी कार्यालय में गए हुए हैं वहाँ पे। चूंकि चंद्रप्रकाश चौधरी से पहले एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कुछ आ गए थे, तो उनका नामांकन चल रहा है अभी। अब थोड़ी देर बाद उनका नामांकन होगा, जब वो निकलेंगे तब उसके बाद बाहर निकलेंगे, फिर क्या इन नेताओं का क्या माहौल बन रहा है। चूंकि इन्होंने इनकी सभा भी जैना मोड़ विधानसभा जैना मोड़ में सभा का आयोजन किया गया है आयुषु की ओर से, तो वहाँ पे ये सारे नेता शामिल होंगे और जनता को संबोधित करके वोट की अपील करेंगे। जहाँ तक गिरिडीह लोकसभा की बात करें, तो इसमें एक फैक्टर और एक सूचना मिल रही है, जो जयराम महतो जो भी KKS से जिसने नॉमिनेशन किया था, उनको 7 तारीख को DC के द्वारा बुलाया गया है। चूंकि उनके प्रस्तावकों में कुछ कमी है, चूंकि इनके प्रस्तावक को भी की भी गिरफ्तारी एक हो चुकी है, तो उनका जैसा अब तक जो सूचना मिल रही है, जो शायद उनका नामांकन रद्द हो जाए। वैसी स्थिति में उनकी पार्टी से एक पूजा महतो है, जो सूचना मिल रही है, जो वो भी अभी थोड़ी देर बाद यहाँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेगी बोकारो में। लेकिन इन दो के बीच में ये जो जयराम महतो का एक फैक्टर है, ये किस और किसको ले के डूबेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन माहौल गिरिडीह का भी बहुत कांटे का टक्कर होगा, और वो 25 तारीख को जब मतदान होगा तो मतदाता का मिजाज क्या है वो समझ में आएगा। जी बिल्कुल अरुण, देखिए एक तरफ चंद्रप्रकाश चौधरी हैं जिन पर वापस से भरोसा जताया गया, और दूसरी तरफ मथुरा प्रसाद महतो जो कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी की अगर बात करें तो इन्हें पहले भी उम्मीदवार बनाया गया था, लगभग उन्होंने उस वक्त भी 2.5 लाख वोटों के अंतराल से जीत हासिल की थी। इस बार उन पर वापस से भरोसा, लेकिन उनके सामने एक ऐसा कैंडिडेट जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, क्या ये कुछ समीकरण बदल सकता है? पलड़ा किसका भारी हो सकता है? जनता क्या कुछ मूड में, क्योंकि आप जनता के बीच भी जा रहे हैं। देखिए सुष्मिता, अभी इस संदर्भ में ही अभी थोड़ी देर पहले JMM के प्रदेश महासचिव से, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से हमारी बात हुई है। उनका कहना था कि चूंकि वो बागमारा विधानसभा टुंडी विधान विधायक रहे हैं और अपने फील्ड में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो जनता का निश्चित रूप से उनके ऊपर रुझान होगा, उनके ऊपर समर्थन उनको मिलेगा और वो सीट निकाल सकते हैं। हालांकि देखिए फील्ड की जहां तक बात करें, तो जनता अभी बहुत ही जनता भी अब नेताओं की जो बहकावे में नहीं आ रही है, और अपना मत किसे देना है वो उस पर वो अपना विचार कर चुकी है, निर्णय कर चुकी है। लेकिन माहौल जो है वो एक बार, चूंकि जहां भी कल भी जब मैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र में कुछ इलाकों में घूम रहा था, तो वहां भी लोगों का ये कहना था कि चूंकि CP चौधरी कभी दिखाई नहीं देते थे, लेकिन बहुत सारे जो विकास के काम हुए हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएँ थी, तो ओवरऑल झुकाव जो है अब तक जो NDA की तरफ है दिखता है। लेकिन कुछ एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर फंसा हुआ है मामला, और उस जगह पे शायद इंडिया गठबंधन भी भारी पड़ सकता है। तो सब कुछ है माहौल, और 25 तारीख को पोलिंग और 4 को परिणाम, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल अरुण, आप एक जानकारी दे रहे थे जयराम महतो से जुड़ी हुई। देखिए गिरिडीह में त्रिकोणीय मुकाबला उस वक्त ही देखा जा रहा था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उनके नामांकन को रद्द किया जाता है। एक नया नाम आप दर्शकों तक बता रहे थे, पूजा महतो, उनकी क्या कुछ भूमिका है इस बार के लोकसभा चुनाव में? अगर उनके नाम सामने आ रहे हैं JBKSS पार्टी से, अगर वो सामने आ रही है, तो क्या है ये समीकरण जब बनेगा तो किसके लिए जो है प्रॉफिट होने वाला और किसके लिए लॉस होने वाला इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए गिरिडीह लोकसभा को सुष्मिता माना जाता है जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, और इसमें जयराम महतो जितनी तेजी से उभर के सामने आए थे, जो दोनों ही दलों के लिए एक सरदर्द बनता जा रहे थे, लेकिन जब पिछले दिनों जब उनके एक पुरानी मामले में जब गिरफ्तार करने पुलिस गई, तो वहां से नॉमिनेशन के बाद वो बीच लोगों के अपने समर्थन से वो वहाँ से फरार हो गए, तो इस मामले में लेकर एक फिर से एक उन पर केस हुआ। और अब की जो संभावना है, जो DC ने 7 तारीख को, बोकारो के जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने 7 तारीख को उनको बुलाया है, और वो जब यहाँ आएंगी तो ऐसी संभावना जताया जा रहा है कि जो शायद जयराम महतो की गिरफ्तारी हो जाए। तो इस बीच जयराम महतो की ओर से जो एक और उनके जो JBKSS की जो
पूजा महतो है जो वो भी काफी एक्टिव रही है, ऐसी संभावना सूचना मिल रही है जो शायद अब से थोड़ी देर में वो आएगी, और अगर इन केस जयराम महतो का नामांकन रद्द होता है तो वैसी परिस्थिति में वो यहाँ पर दावेदारी करेगी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से। तो अब ये और अगर जयराम महतो की अगर स्थिति बरकरार रही, नॉमिनेशन उनका बरकरार रहा, तो पूजा महतो शायद विड्रॉ कर ले, लेकिन है जो माहौल सब कुछ है संभावना पे, थोड़ी देर बाद पूजा महतो भी यहाँ दिखेगी। जी बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स आप तक लेते रहेंगे, आपसे और जानकारियां लेते रहेंगे। क्या कुछ चंद्रप्रकाश चौधरी के नामांकन के बाद तस्वीरें सामने आएगी, क्या कुछ वो मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे कहते हैं।